हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज अपना टॉपिक रहेगा दर्पण। दर्पण दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, दर्पण दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम आते हैं अवतल दर्पण के। पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये। तो पहला आते हैं हम अपन अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ये समझिए। अवतल और उत्तल का मीन्स शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, यदि आप इनका अर्थ जान गए तो आप ऑटोमेटिक अवतल और उत्तल की जो है आप परिभाषा निकाल सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, कहीं खाली जगह मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहीं पास बता दे रहा हूँ, इतनी जगह खाली में। अवतल, अवतल, अवतल मीन्स होता है भीतरी, भीतरी या आंतरिक भाग जिसे बोलते हैं अपन लोग, आंतरिक भाग। और उत्तल, उत्तल, उत्तल का जो मेन उच्चारण अर्थ होता है वह होता है बाहरी, बाहरी भाग, ये कहलाता है। तो हम इसकी अब देखते हैं इसकी इस परिभाषा कैसे बनती है। देखिए, आपको परिभाषा लिख के दिखाता हूँ। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण में जब बाहरी भाग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, उत्तल भाग, उत्तल भाग पर जब पॉलिश कर दी जाती है, तो कर दी जाती है तो गोली दर्पण का, गोली दर्पण का भीतरी भाग अर्थात अवतल भाग, भीतरी भाग या हम इसे आंतरिक भाग बोल सकते हैं, आंतरिक भाग भीतरी भाग या आंतरिक भाग, इसी को हम कोष्टक के अंदर अवतल भाग लिख सकते हैं, अवतल भाग, अवतल भाग क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ या पृष्ठ लिख देते हैं, पृष्ठ बन जाता है तो वह अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण कहलाता है। देखिए, आपको मैं चित्र के अनुसार बताता हूँ, चित्र के अनुसार बताता हूँ, ये रहा अपना चित्र। फिलहाल मैं यहाँ एक सुइया की यूज ना करते हुए मैं ऐसे यूज कर ही ले रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ।
ये हो गया अपना गोली दर्पण, गोली दर्पण, ठीक है। और इसका ये हो गया बाहरी भाग, बाहरी भाग, और ये हो गया आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अभी इसको डिटेल से समझाएंगे आगे, इसी विभिन्न परिभाषाएं हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब इसके हमको क्या अवतल दर्पण पर है ना, तो इसके हमको बाहरी पर पॉलिश करना है। ये अपनी पॉलिश हो गई, ये हो गई पॉलिश। पॉलिश तो ये जो है ये परावर्तक पृष्ठ कहला गया। परावर्तक पृष्ठ ये हो गया अपना। इसको अपन ऐसे बीच से भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हम स्थितियाँ जब इसकी छह स्थितियाँ पढ़ते हैं तब जा कर के हम इस तरह के यूज करते हैं। बाकी आपको समझाने के लिए पूरा गोला बना दिया गया है। ये हो गया अपना उत्तल, सॉरी अवतल, अवतल दर्पण हो गया। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग इसके निम्न उपयोग होते हैं। पहला, दाढ़ी दाढ़ी बनाने में, दूसरा डॉक्टरों द्वारा आँख कान नाक आदि की जांच करने में। फिर आता है, अच्छा ये अपना उपयोग हो गया। अब इसके बाद अपना आता है अवतल, दूसरा आ गया, ओ सॉरी उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। इसकी विषय में परिभाषा होती है जैसे अवतल की होती है। गोलीय गोलीय दर्पण का या गोलीय दर्पण में जब भीतरी साइड पॉलिश कर दी जाती है तो उसका बाहरी भाग अर्थात इसे हम उत्तल भाग बोल सकते हैं, उत्तल भाग परावर्तक पृष्ठ के भांति कार्य करने लगता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है।
ये हो गया। अब आते हैं इसमें इसके चित्र समझ लेते हैं। चित्र फिर से वही हम एक बल्ब यूज करते हैं। ये हमारा चित्र बन चुका है। अब इसमें अब हमें उत्तल, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। अब इसकी हमें इसमें अवतल में बाहर साइड किए थे लेकिन इसमें हम आंतरिक साइड करें। ये हमारी पॉलिश हो गई, ये हमारी पॉलिश हो गई। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया वक्रता केंद्र। ये हो गया आंतरिक भाग। ये हो गया बाहरी भाग। ये अपना चित्र हो गया। अब इसके बाद हम इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग उप इसके भी निम्न उपयोग होते हैं। पहला, गाड़ी या वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में, और दूसरा सोडियम लाइन में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे हो गए दर्पण और इनके उपयोग। तो आज हमारे ये दर्पण जो हैं तो कंप्लीट हो गए। और एक विशेष टॉपिक है अपना गोली दर्पण की प्रमुख परिभाषाएं। तो ये हमारा नेक्स्ट डे टॉपिक होगा फ्रेंड्स। यदि आपको इसी तरह की वीडियो पसंद हो, आपको चाहिए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।